देख लें भाई क्यूट है। इंडियन रॉक पाइथन इसकी है। अच्छा ये भी टेम है फुल। ये हमारे समझने बिल्कुल पार्ट ऑफ अ फैमिली है। अच्छा ये है पाइट पीकॉक। अच्छा हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे उसामा भाई, तो हम इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है उसामा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं आप। सबसे पहले आप हमें क्या दिखाएंगे? सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पीकॉक्स की वैरायटी। ठीक है ये देखें, ये है पाइट पीकॉक। पाइट पीकॉक पाइट और ये हाइब्रिड है। वो जो बैक पीसेंट है। अच्छा इसे हमें सुरखाब भी कहते हैं। सुरखाब भी कहते हैं। ठीक ठीक है। सुरखाब के पर लगते हैं भाई। ठीक है ये ह्यूमन मेड है। अच्छा ये पाइप जो है सही है। ये इंडियन पीकॉक, ये जो हमारे थर में और इंडिया में, जो पाकिस्तान और इंडिया में दोनों में पाए जाते हैं, ये कैमियो। ये फीमेल है। ये फीमेल है। अच्छा कैमियो जो है ये अमेरिकन पीकॉक। ये कौन सा वाला बताया आपने? ये ब्लैक शोल्डर हॉलैंड। ठीक है। अच्छा जी ये कौन सा डॉग है? ये पोमेरियन। पोमेरियन है ये फुल एडल्ट पेयर है। ठीक है। इसकी एज क्या होगी? ये है तकरीबन डेढ़ दो साल। डेढ़ दो साल एज। हाँ डेढ़ दो साल एज। सही है। तो इसको वैसे आप क्या अभी खिला क्या रहे हैं इनको? बॉइल्ड चिकन। बॉइल्ड चिकन दे रहे हैं। तो कीमा वगैरह भी दे रहे हैं? वही गर्दनों का कीमा वगैरह कर देते हैं बॉइल करके। तो अच्छा डॉग फूड पे तो नहीं रखा हुआ? नहीं 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 डॉग फूड नहीं। सही है ठीक है। तो इसको जो है इसके फर वगैरह बड़े साफ सुथरे नजर आ रहे हैं सर। ये होती है बिल्कुल सर, ये तो जरूरी है, अगर मैं नहीं करूँगा तो खराब हो जाएंगे ये बिल्कुल। आप इसको नहलाते कितने दिन में? इनको मैं हर संडे संडे। अच्छा हर संडे। अभी सर्दियाँ हैं तो दो तीन हफ्ते बाद, वरना गर्मियों में तो दो दिन छोड़ के तीसरे दिन ऐसे करना। ठीक है ठीक है। ये कौन सा डॉग है? ये है शिट्ज़ू। शिट्ज़ू है। क्यूट है। शक्ल से दिखा दो भाई। ओहो बिल्कुल ही पंच फेस है इसका। बिल्कुल। ये मेल है? ये मेल। अच्छा तो ये कितने टाइम से यहाँ पे? ये मेरे पास बिल्कुल बेबी आया था अभी माशाल्लाह, ये एक साल का है। एक साल का। तो ये मेरे साथ ही रहते हैं। अच्छा बिल्कुल ये टॉय ब्रीड है, ये घर में रखने के लिए फॉर लेडीज और चिल्ड्रन। ये हो गए पोमेरियन हो गए, पग्स हो गए। अच्छा अच्छा। चिवावा हो गए। तो ये सब टॉय ब्रीड है। ये सब टॉय ब्रीड। ठीक है। अच्छा जी ये कौन सी कैट है भाई? ये पर्शियन कैट है। वाइट पर्शियन है। वाइट पर्शियन डॉल फेस। ये देख लें आप फुल कोटी वाइट पर्शियन फीमेल कैट है ये। अच्छा जी अब क्या दिखा रहे हैं आप? मैं आपको दिखाता हूँ वाइट लाइन। वाइट लाइन बिल्कुल बस इतना फुल टाइम है। देख लें भाई हाथ लगा रहे हैं इसको शेर को। आओ इधर आओ इधर आओ। इसकी उम्र क्या होगी? ये है तकरीबन तीन साल। तीन साल का है? तीन साल का। तीन साल इसकी है। तीन से चार साल हमारे। और ये फीमेल है। अच्छा ये फीमेल है। ये फीमेल। तो ये यहाँ पे कितने टाइम से है? ये मेरे पास यहाँ पे तीन चार साल माशाल्लाह हो गया। ये बिल्कुल कब आए थे मेरे पास? अब माशाल्लाह ये आपके सामने भी तीन चार साल से है आपके पास। महीनों में बड़ा होता है। अच्छा एयर में नहीं होता। अच्छा बिल्कुल सही है। तो इसको क्या खिलाया जा रहा है? ये गोश्त। गोश्त पे बिल्कुल गोश्त गोश्त। ये इतना बड़ा लाइन अंदाजन कितना गोश्त खाता होगा डेली? सर ये 5 किलो सुबह यानी दोपहर में और 5 किलो रात में। 10 किलो खाता है? 10 किलो। अच्छा ये है मार्श क्रोकोडाइल। ये अभी इनका हाइबरनेटिंग का सीजन चल रहा है। अच्छा ये क्रोकोडाइल है आप देख सकते हैं। ये हाइबरनेटिंग में। तो ये अभी छोटा ही है ना यानी? ये अभी छोटा ही है। ये तकरीबन मैक्सिमम इसकी पाँच साल तक की है अभी तो फिलहाल। इसमें जो है एल्बाइनो मैंड्रीन्स भी हैं और जो कलरफुल वाली हैं वो भी हैं। और ये क्रेन्स जो हैं डिमोसली क्रेन्स, ये माइग्रेटेड बर्ड हैं। अच्छा ये जो बर्ड है? ये बर्ड है जो हिजरत करके आते हैं अमूमन सीजन जब चेंज होता है। जब चेंज होता है और हज़ारों मील का फासला तय करके इनको कहते हैं इट्स मीन ये फुल एडल्ट हो चुके। ठीक है ये फिर अभी फिश हाउस में। ठीक है फिश हाउस है ये देख सकते हैं। बिल्कुल तो फिश हाउस के अंदर आ जाते हैं। आइए ये कौन सी फिश है? एलिगेटर गार।
यहाँ पे सब फिश जो है वो फ्रेश वाटर फिश है और ये एलिगेटर डाल रहे हैं। तो ये मीठे पानी की है या? मीठे पानी बिल्कुल, तकरीबन सारे मीठे पानी की। सब ठीक है। अच्छा जी, ये सब पैरेट फिश है। ये देखें भाई, ये पैरेट फिश है, सारी पैरेट फिश कहलाती है। और ये अभी देखिए ना, लोगों की इंट्रेक्शन होती है ना तो बिल्कुल फ्रंट पे आ जाती है, वरना मोस्टली मछलियाँ जो है वो पीछे जाके छुप जाती हैं अगर उनको झुकिया देते। इधर हाथ किया तो यहाँ आ गई। ये देख लीजिए, जहाँ हम हाथ लेके जा रहे हैं ये वहीं जा रही है। बड़ी खूबसूरत सी हैं ये, कि देख सकते हैं आप कि डिफरेंट कलर में है और माशाल्लाह बहुत प्यारी सी फिश है। अच्छा, और इसके आगे फिर ब्लू लाइन शार्क, ये देख लीजिए एल्बिनो शार्क। ये ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन है, जी भाई इसके बारे में बताइए। ये है इंडियन रॉक पाइथन है, ये तकरीबन 4 साल का, ये मेरे पास तकरीबन 4 साल से ही है और ये बिल्कुल छोटा बेबी आया था, इतना बड़ा तकरीबन फिट का होगा। अच्छा, इसको कितने दिनों में आप खाना खिला रहे हैं? इनको मैं हर तकरीबन, अभी तो सर्दियाँ हैं, हाइबरनेटिंग सीजन है तो अभी नहीं खाते ये, बट इंशाल्लाह जैसी गर्मियाँ शुरू होंगी तो इनको हर 10 में 11 दिन जो है नया खाना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक हफ्ता तो डाइजेस्ट होने में लगता है। सही है। और फिर 2-3 दिन का रेस्ट देके नया खाना, मतलब हफ्ते में एक दिन खाना खिला दो तो काफ़ी है। हाँ, 10 दिन में तो माशाल्लाह ये खाते भी हो, छोटी साइज की 2 मुर्गियाँ। अच्छा, हालांकि देखने में मुंह, लेकिन इसका इतना बड़ा मुंह खुलता है, ये अपने से 10 गुना बड़ी गुना चीज़ खा लेते हैं। बिल्कुल सही, बड़ी चीज़ें ही खा जाते हैं, हजम कर जाते हैं। तो ये है पाइट पीकॉक, ठीक है ना, और हाइब्रिड है, पाइट पीकॉक है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा है, डिफरेंट कलर इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत है ये। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, अलग ही नज़र आ रहा है। इसके साथ ही आज की मेरी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।